लेकिन अमीर घर से रिश्ता रखने वालों एक बात याद रखना कि अमीर आपको देख के बस बिठाएगा, दो चार मिनट बात करेगा, उसके हजार फोन आएंगे, बात होगी वो निकल जाएगा। लेकिन अगर गरीब घर में आपने धोखे से भी कदम रख दिया तो उसके पास कोई बैठने का साधन नहीं है आपको बिठाने का, तो वो कहीं से मांग के लाएगा, आपको बिठाएगा। अगर उसके पास कूलर पंखा नहीं है तो वो हाथ से आपके लिए हाथ से पंखा लेके हवा करेगा। फ्रिज का पानी नहीं है तो खुद कहीं न कहीं से मांग के लाएगा, लेकिन इतनी सेवा करेगा। उसका जो प्रेम होगा वो आप अमीर घर से कभी प्रेम पा नहीं सकते। और कई धोखे से भी आप उसके यहाँ रात भर रुक गए, गरीब के घर धोखे से भी आप कहीं रात भर रुक गए तो दूसरे घर से बिस्तर लेके आएगा, दूसरे घर से अच्छी चारपाई मांग के लाएगा, फिर आपको लिटाएगा और रात भर खुद नहीं सोएगा कि कहीं आपको कोई तकलीफ ना हो जाए। एक विचार और आदत आपको आपके कर्मों की तरफ ले जाती है। आप क्या करते हैं, किस तरीके से किसके साथ व्यवहार करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कर्मों की बात अगर की जाए तो इंसान जैसे जो कर्म करेगा, ये नहीं है कि आप ये सोचो कि मैंने कर्म कर लिए तो आज के लोग कहते हैं कि मेरा बेटा भोगेगा या मेरा नाती भोगेगा। जो करेगा ये है कलयुग, जो करेगा ये यहीं पर दिखाया जाएगा। क्योंकि एक बाग में इसी आम का बगीचा है और आम के बगीचे में आप पहुंचे, आपने आम देखा तो देखा किसने, आंखों ने। अब आंखों ने देखा तो गए पैर, क्योंकि आंखें जा तो सकती नहीं, अब गए पैर। अब पैर तोड़ तो सकते नहीं तो तोड़ा हाथों ने, आंखों ने देखा गए पैर तोड़ा हाथों ने। अब हाथ खा तो सकते नहीं तो खाया मुख ने, अब मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता तो स्वाद लिया जिब्या ने। अब जिब्या स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा किसने, पेट ने। आंखों ने देखा गए पैर तोड़ा हाथों ने, स्वाद लिया जिब्या ने, रखा पेट ने। अब तब तक बाग का माली आया तो वो गुस्से में चलाया, उसने डंडे आकर के मार दिए पीठ में। भाई देखा कौन था, गए पैर और तोड़ा हाथों ने, रखा मुख ने, स्वाद लिया जिब्या ने, और जो पेट में पहुंचा लेकिन फालतू में डंडे पीठ में पड़ गए। उसकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि इसका जवाब भी आपको यहीं पर मिलेगा। जब पीठ पर डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए, आंखों से, और देखा किसने था, आंखों ने। तो पीठ पर डंडे भले ही पड़े लेकिन आंसू तो आंख से ही आने हैं, तो जो करेगा वही भरेगा, बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज मैया द्रौपदी से दुर्योधन के